हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ऐसा क्यों में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंकर और लोडर के बारे में। लिंकर और लोडर को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर और हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज क्या है। इन सबको समझने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, कंप्यूटर में कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन देना हो, कुछ भी देना हो, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, या आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाना हो उसके लिए भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। और कंप्यूटर 01 की फॉर्म डायरेक्टली समझता है 01 की लैंग्वेज, और 01 की लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग इजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। उसमें प्रोग्राम लिखना और कंप्यूटर को बताना, इंस्ट्रक्शन देना काफी कठिन है, इसलिए इसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। 01 की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। पर हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के द्वारा बनी हुई एक लैंग्वेज है जिसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है और क्या लिखना है आपको, किस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन देना है, तो हाई लेवल लैंग्वेज उसे कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो। ठीक है, अब कंपाइलर किस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है? जैसे सी का कंपाइलर है तो सी की लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, असेंबलर है तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा। अब बात यह आती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है। कंपाइलर एक साथ पूरे कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। पर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। कंपाइलर एक IDE है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है उसे हम IDE कहते हैं, यानी कि कंपाइलर। कंपाइलर में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसे रन करवा सकते हैं, और आपको जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है प्रोग्राम के द्वारा आपको आपकी स्क्रीन पर एग्जीक्यूट होने के बाद मिल जाता है। पर प्रोग्राम लिखने से और प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने तक बीच में जितने भी प्रोसेस हुई है उन सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, समझ लीजिए कि कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और वो काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो आप प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम उसे मॉड्यूल्स में बनाते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बनाते हैं, जिससे एरर आता है तो हमें इजीली पता चल जाता है कि इस मॉड्यूल में एरर आया, इस फंक्शन में एरर आया। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया है तो आपने उसमें प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करा होगा सी के प्रोग्राम में। अब प्रिंटफ इसलिए यूज करते हैं, आपको पहले से ही स्क्रीन में प्रिंट हुआ मिलता है कि एंटर 2 डिजिट नंबर। जैसे आपने कोई एडिंग का प्रोग्राम बनाया है तो उसमें पहले से ही आप लिख देते हो, प्रिंट ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो कि एंटर 2 डिजिट नंबर, वो आपको स्क्रीन पे मिलता है। फिर आप लगाते हो स्कैनफ, स्कैनफ लगाओगे तो स्कैनफ क्या करेगा कि आपके कीबोर्ड से वो 2 डिजिट को एंटर करवाएगा यूजर से, यूजर एंटर करता है, फिर उस 2 डिजिट को जो आपने लॉजिक लगाया होगा एड करने का उसके द्वारा प्लस हो जाता है। अब प्रिंटफ और स्कैनफ ये कैसे कर रहा है? सिर्फ आपने वहां पर प्रिंटफ लिखा है और वहां पर स्कैनफ लिखा है, पर ये कैसे वर्क कर रहा है ये आपने वहां नहीं बताया। अगर आप प्रिंटफ की अलग से प्रोग्रामिंग लिखने लग जाओगे कि प्रिंट कैसे वर्क करेगा, स्कैनफ कैसे कीबोर्ड से डेटा यूजर से एंटर करवाएगा और आपको स्क्रीन तक देगा वो डेटा, ये वहां पर आपने नहीं लिखा है, तो आपने सिर्फ प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को वहां पर कॉल करा है। जब भी आप हेडर फाइल ऊपर स्टार्ट करते हो प्रोग्राम में, include studio.h, studio.h के ही फंक्शन है ये printf scanf। अगर आप studio.h हेडर फाइल नहीं लगाओगे तो वहां पर एरर आएगा। अब हेडर फाइल है ये, printf फंक्शन है और scanf फंक्शन है, ये एक लिंक है जहां पर इनकी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। कहां पे लिखी हुई है? लाइब्रेरी में। हेडर फाइल में तो ये लिखा हुआ है printf scanf, यानी कि कंपाइलर को समझाने के लिए कि ये printf फंक्शन है और ये scanf फंक्शन है। समझ लीजिए एक तरीके का रेफरेंस दे रखा है कि हाँ ये इसकी कोडिंग आपको लाइब्रेरी में मिलेगी, scanf फंक्शन की कोडिंग कैसे काम करेगा, क्या करेगा, वो सब आपको लाइब्रेरी में मिलेगी। और हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल में सिर्फ ओनली डिक्लेरेशन होता है फंक्शन, यानी कि डिक्लेरेशन printf, पर उसमें वहां पर उसकी वर्किंग नहीं बताई होती है। वर्किंग कहाँ लिखी होती है? लाइब्रेरी फाइल में। लाइब्रेरी फाइल एक ऐसी फाइल है जहाँ पर पूरी डेफिनेशन लिखी होती है कैसे क्या काम करेगा, कोड लिखा होता है कि printf फंक्शन कैसे काम करेगा, scanf फंक्शन कैसे काम करेगा। ठीक है, और अगर हम printf scanf को वहीं पर कोड कर दें
तो हमारा तो जो मेन प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो उसमें तो ध्यान रहेगा ही नहीं, प्रिंटअप और स्कैनअप की ही आप प्रोग्रामिंग लिखते रह जाओगे। इसी कारण से इसे प्रिंटअप और स्कैनअप एक प्रोग्राम में कई बार यूज हो सकते हैं, इसलिए एक कॉमन फाइल और वहां से हम उन्हें कॉल कर ले, उनका रेफरेंस दे देते हैं, वहां से उसकी वर्किंग वर्क हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि आपने एक प्रोग्राम बनाया कंपाइलर में, अब वो कंपाइलर क्या करेगा, उसे कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और मशीन कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड है, और उसमें आपने प्रिंटअप स्कैनअप कई जगह यूज करा होगा फंक्शन, पर उसकी वहाँ प्रोग्रामिंग आपने नहीं बताई है। समझ लीजिए कि आपने एक बड़ा प्रोग्राम बनाया और बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सब मॉड्यूल्स में अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर दिया। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया उस प्रोग्राम को मशीन कोड में, और मशीन कोड क्या है, मशीन कोड को ही ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल में क्या होता है, आगे जाके लिंकर क्या करता है, उन सारे मॉड्यूल्स, उन सारी रेफरेंस को जो आपने दिया है, जैसे प्रिंटअप स्कैनअप जितने भी आपने फंक्शन यूज करे हैं, वो लाइब्रेरी से उसके कोड को, उसकी कॉपी कर लेता है कोड को, और वहां पर लिंकर के द्वारा उस ऑब्जेक्ट फाइल में कंबाइन कर देता है, लिंक कर देता है, और फिर उसे लिंक करने के बाद उसे कन्वर्ट कर देता है exe फाइल में, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में। फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है, वो फाइल है जो एग्जीक्यूट हो सकती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी, फिर काम बचता है लोडर। लोडर भी एक प्रोग्राम है, ये भी पार्ट है आईडीई का, कंपाइलर का पार्ट है, जो क्या करता है, लोडर उस exe फाइल को लोड करता है मेमोरी में। अब कोई सा भी प्रोग्राम हो, उसे मेमोरी चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है, और लोडर का काम क्या है, लोडर लोड करता है जो भी लिंकर ने कंबाइन करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दी है। अब लिंकर का काम आपको पता चल चुका है कि मॉड्यूल्स, जितने भी मॉड्यूल्स हैं प्रोग्राम के, उन्हें कंबाइन करना, जितने भी आपने रेफरेंस दिए हैं प्रोग्राम में और उनके कोड और कहीं लिखे हुए हैं लाइब्रेरी में लिखे हुए, उस लाइब्रेरी के कोड को कॉपी करके एक प्रोग्राम में कंबाइन कर देना, तभी तो आगे एग्जीक्यूट होगा। भाई प्रिंटअप की आपने वहां पर नहीं लिखा था, स्कैनअप का नहीं लिखा था, ये कैसे वर्क करेगा, वो सारे कोड कंबाइन करके लिंकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, चाहे वो मॉड्यूल हो, आपने जैसे बड़ा प्रोग्राम बनाया और कई सारे उसमें मॉड्यूल्स हैं, फंक्शन है अलग अलग, उन सबको भी कंबाइन करता है ए, और कंबाइन करने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोडर प्रोग्राम क्या करता है, लोड कर देता है मेमोरी में, फिर आपको स्क्रीन में जो भी एग्जीक्यूशन हुआ होता है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, लोडर उसे मेमोरी, कोई भी प्रोग्राम है उसे मेमोरी चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो लोडर क्या करता है, उस exe फाइल को जो लिंकर ने कन्वर्ट करा है ऑब्जेक्ट फाइल से एग्जीक्यूटेबल फाइल में, सारी फाइल सारी चीजों को लिंक करके, मॉड्यूल्स को लिंक करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या करता है, लोडर लोड कर देता है मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के। एक प्रोग्राम को लिखने, फिर उस पर कई सारे प्रोसेस होते हैं, कन्वर्ट होता है, फिर वो सारी लाइब्रेरीज लिंक होती हैं लिंकर के द्वारा, फिर उसके बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, फिर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोडर के द्वारा लोड किया जाता है, लोडर के द्वारा लोड किया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए।